कोरोना वायरस का जो कहर देश भर में फैला हुआ है उसका गुजरात पर भी अब असर दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि वडोदरा शहर में भी कोरोना वायरस का एक मामला सामने आया है। स्पेन से लौटा हुआ एक युवक जो वडोदरा शहर वापस लौटा स्पेन से, उसमें कोरोना वायरस के लक्षण पाए गए हैं। उसका जब इलाज किया गया, उसकी जब जांच की गई तो कोरोना वायरस का पॉजिटिव मरीज यह पाया गया। और इसी के चलते तत्कालीन रूप से जिला प्रशासन के द्वारा, जैसे ही एक मामला पॉजिटिव कोरोना वायरस का सामने आया है, वैसे जिला प्रशासन के द्वारा शहर भर में धारा 144 लागू कर दी गई। आपको बता दें कि इस मामले में ज़्यादा जानकारी हमारे जिलाधीश शालिनी अग्रवाल ने दी थी। दुनिया में महामारी का स्वरूप धारण कर चुके कोरोना वायरस का एक पॉजिटिव मामला गुजरात के वडोदरा शहर में भी दर्ज हुआ है। आपको बता दें कि स्पेन से वडोदरा वापस लौटे 49 साल के एक युवक में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। यह युवक कुछ 10 दिन की यात्रा के लिए स्पेन गया हुआ था और वहां से वह वापस लौटा, तो वडोदरा शहर में वापस लौटने के बाद उसकी तबीयत खराब हुई और उसे मंगलवार देर रात को SSG अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां पर उसके रिपोर्ट निकलवाने के बाद यह मालूम हुआ कि स्पेन के दौरे के वक्त शायद उसे कोरोना वायरस लग गया होगा और इसी वजह से उसका यह मामला जो है वो पॉजिटिव आया है। इसी के चलते शहर के SSG अस्पताल में इस युवक का इलाज कल किया जा रहा है। आइसोलेशन वार्ड में इस युवक को भर्ती कर दिया गया है, वहां पर इस युवक का इलाज चल रहा है। यह युवक मकरपुला का रहने वाला है। आपको बता दें कि वह अपने किसी काम से स्पेन गया हुआ था और वहां से वापस लौटने पर उसकी तबीयत खराब हुई और उसे अस्पताल में भर्ती कराने पर मालूम हुआ कि यह जो युवक है वो कोरोना वायरस पॉजिटिव युवक है। आपको बता दें कि जैसे ही वडोदरा शहर में पॉजिटिव मामला कोरोना वायरस का सामने आया है, वैसे ही तत्कालीन रूप से जिला प्रशासन के द्वारा वडोदरा शहर में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही जो युवक कोरोना वायरस का पॉजिटिव पाया गया है, उसने जिस लोगों के साथ संपर्क किया था उन सभी का भी चेकअप किया जा रहा है। आपको बता दें कि स्पेन से वापस लौटने के बाद यह युवक जिनसे भी मिला था, जिनके भी टच में रहा था, उन सभी का प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है और साथ ही उन्हें होम क्वारंटाइन भी किया गया है। इस मामले में ज़्यादा जानकारी हमारे जिलाधीश शालिनी अग्रवाल के द्वारा दी गई थी और उन्होंने धारा 144 को लेकर भी जरूरी सूचनाएं दी। वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में अभी तक 263 पैसेंजर्स की यादें मिली है, उसमें से 100 लोगों का ऑब्जर्वेशन कंप्लीट हो गया है और 164 लोग अभी भी अंडर ऑब्जर्वेशन हैं और होम क्वारंटाइन में हैं। इनमें से 14 लोगों का सैंपल लेने में सैंपल दिया था, 14 में से 13 का नेगेटिव आया है सैंपल और एक का पॉजिटिव आया है। जिनका सैंपल पॉजिटिव है वो SSG हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड में एडमिट हैं और SSG हॉस्पिटल की टीम उनकी पूरी तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट और मॉनिटरिंग एंड सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में उनके साथ के जितने भी लोग थे वडोदरा या बाहर में, उन सभी को हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से क्वारंटाइन करने के लिए भी सारे अरेंजमेंट्स कर दिए गए हैं। तकेदारी के भाग रूप में आज वडोदरा डिस्ट्रिक्ट में 144 इम्प्लीमेंट करने में आई हैं और किसी भी प्रकार की मीटिंग, सभा, सरगस, सम्मेलन, मेला, लोक मेला, उन सभी पे बिना परवानगी ये कोई नहीं कर सकते हैं। मॉल, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा, नाट्यगृह ये सभी बंद कर देने में आए हैं। जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डांस क्लासेस, गेम जोन, क्लब हाउस ये सभी भी बंद कर दिए गए हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स जहाँ पे खाना पीना मिलता है, मिठाई और फरसान की दुकान, भोजनालय वगैरह, उन सभी के लिए एडवाइजरीज ऑलरेडी इशू कर दी गई हैं कि उनको मार्गदर्शिका मुजब क्या क्या उनको प्रिकॉशंस लेने हैं और इस रेफरेंस में हेल्थ डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से सभी तरह के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। कल रात से महाराष्ट्र में जो बसेज आती जाती हैं उनको भी बंद कर दिया गया है। आपके माध्यम से मैं फिर से लोगों से अपील करना चाहूँगी कि अभी खूब ज़रूरी है सोशल डिस्टेंसिंग को ऑब्जर्व करना। कल माननीय प्रधानमंत्री श्री ने भी 22 मार्च को आह्वान किया है कि सुबह 7 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक लोग जनता कर्फ्यू ऑब्जर्व करें। शाम को 5 बजे जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हेल्थ स्टाफ हैं और जो भी लोग कोविड-19 के लिए दिन रात काम कर रहे हैं, उन सभी की कामगिरी को बिरदाने के लिए बाहर थाली बजा के, क्लैपिंग करके अथवा घंटी बजा के, तो सबके
बालकनी में से, घरों के बाहर से, गेट से, उन सभी को बिरदाएं। और ये जो 10-15 दिन हैं वो बहुत क्रूशियल हैं, इसलिए मैं फिर से अपील करूंगी कि घर पे ही सेफ रहें, सुरक्षित रहें। सीनियर सिटीज़न 60 ईयर्स के ऊपर बाहर नहीं जाएं, बच्चे बाहर नहीं जाएं। लोगों को जितना ज़रूरी है दैनिक ज़रूरियात के लिए उतना ही बाहर निकलें, इसके अलावा बाहर ना निकलें। किसी भी तरह का पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी लोग मिलके, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, सभी लोग मिलके इस बारे में दिन रात काम कर रहे हैं, पर सतर्कता और सावधानी बहुत ज़रूरी है, इसलिए सभी लोग घर में ही रह के सुरक्षित रहें। उनका र्यूमर स्प्रेड करेगा तो उस पर पगला लिया जाएगा। मैं आपकी तरह की अपील करती हूँ कि इस तरह की कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या र्यूमर सोशल मीडिया पे या किसी भी जाहिर माध्यम पे या किसी भी तरह से व्यक्तिगत तरीके से भी लोगों के बीच में नहीं फैलाए जाए, अन्यथा हमने पुलिस को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि इस बारे में सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज से जनसेवा केंद्र बंद कर दिए गए हैं। आपके थ्रू लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि ये सभी सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध हैं, इसलिए आप ऑनलाइन घर बैठे आपको जो भी जनसेवा केंद्र की सर्विस चाहिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और ऑफिसर्स जो हैं वो उसको ऑनलाइन प्रोसेस करेंगे।